हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं संडे का आपको व्लॉग शेयर कर रही हूँ। संडे को हमने फुल डे मस्ती किया था, मैंने और माइलो ने गार्डन में। हस्बैंड तो गए हुए थे जोधपुर से बाहर कुछ अपने काम से रिलेटेड, और हम लोग जो हैं हम लोगों ने बागवान को बुलाया था ताकि हम लोग गार्डन को समर रेडी कर सके। समर रेडी मीन्स कि अभी देखो विंटर्स गई हैं, लेकिन इतने साइक्लोन्स की वजह से ना टेम्परेचर मौसम इतना डिस्टर्ब हो चुका है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन समर्स तो आएंगे ही बिकॉज सन सिटी में जो हम रहते हैं, तो गार्डन को तैयार करना तो बनता है। लॉन की कटिंग चल रही है, साथ में कुछ पौधे रिलोकेट करेंगे। तो ये केली है, ये यहाँ पे लगा हुआ था इस क्यारी के अंदर, लेकिन यहाँ ना सनलाइट थोड़ी कम आती है, इस वजह से फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। हम लोगों ने काफ़ी तरह के सॉइल कंडीशनर वगैरह यूज़ करके देखे, बट आई थिंक इसको सनलाइट की ही ज़रूरत है, इस वजह से इसको रिलोकेट करेंगे। तो सामने देखिए यहाँ कोकोनट के जो ट्रीज़ लगे हुए हैं ना, इसके बीच में हम लोग ये केली को लगा देंगे। तो बागवान जी को इसलिए बुलाना ज़रूरी है, काफ़ी चीज़ें तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कई बार ना एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से हम लोग बागवान को भी बुलाना प्रेफर करते हैं। गार्डन अपने आप में ना एक बहुत बहुत टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें लेकर आता है। हमें जिस तरह से बच्चों का ध्यान रखना होता है ना, वैसे ही गार्डन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमें वापस रिटर्न में बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं। ये बंच जो है ना, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताती हूँ कैसे। पहले देखिए इस माइलो को, इसको ना ये गार्डन की मशीन जब तक चलती है ना तब तक तो बहुत डर लगता है, उसके बाद अब देखो कितना इंस्पेक्शन कर रहा है इसका कि ये चीज़ क्या है आखिर। तो ये एक जगह थी कोकोनट ट्री के पास में जो अभी फ़िलहाल खाली थी, इसके अंदर ये कंप्लीट बंच का जो सेट है ना, एलोवेरा और पास में दो ये जो प्लांट्स हैं, इनका सेट वहाँ पे हम लोग लगाने का सोच रहे हैं। मालूम मज़ा आ रहा है क्या, क्या कर रहा है इसे? मशीन चल गई तो मैं चाय और थोड़ा बहुत स्नैक्स के साथ मैं गार्डन के अंदर इधर उधर घूम रही थी, ध्यान रख रही थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी भगवान जी को, कुछ जो वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दे रहे थे उन्हें मैं सुन रही थी और सोच रही थी कैसे आगे उसे अपनाया जाए, और साथ साथ में काम चल रहा था। तो बस अब ये डिसाइड किया है कि मैंने कुछ गमलों को नया क्रिएट करना है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस प्लांट को मैं एग्जैक्टली नाम नहीं जानती इसका, लेकिन ये ना बहुत अच्छे से फैल जाता है, तो इससे हम लोग एक गमले के इस पौधे से कम 4 से 5 पौधे बनके तैयार कर देंगे, और बहुत ही जल्दी फैल जाता है और इतना इतना ग्रीन लगता है ना गार्डन, जिसकी कोई हद नहीं। ये लास्ट एक साल से ना इसी गमले के अंदर बना हुआ था, और देखिए इसमें कितनी जड़ें अजीब सी बन के यहाँ पे निकली हैं, काफ़ी बंद गया था, इसकी ग्रोथ भी रुक गई थी। तो प्लांट्स के ना ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में उनको काफ़ी अच्छे से खाद भी देनी होती है और खुरपी भी देनी होती है। तो देखिए अब ये एक प्लांट से हम लोगों ने 4 प्लांट कन्वर्ट कर दिए हैं, और बहुत ही जल्दी ये अच्छे से फैल जाएगा। मेरा गार्डन फ़िलहाल अभी के लिए तो समर रेडी हो चुका है, और अभी आसमान को देख के ना ऐसा भी लग रहा है कि शायद मौसम बिगड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी न्यूज़पेपर में तो काफ़ी दिनों से आ ही रहा है कि साइक्लोन की वजह से ओलावृष्टि और बारिश और आंधी उन सब की चांसेस हैं, लेकिन मेरा तो गार्डन जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से बढ़ता रहेगा। खुरपी भी भगवान जी ने इसमें दे दी है, और ये देखिए लिली जो है ना इसकी बडिंग भी होने लगी है। संडे है इसलिए इस बार मैंने सोचा कि संडे को फंडे ही बनाया जाए, तो थोड़ा बहुत गार्डन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और माइलो को मैंने नहला दिया है, और नहाने के बाद इसकी मस्ती ना डबल अप हो जाती है। इसको मैं इतनी देर से पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे पहुँच दूँ अच्छे से टाल लेकर, लेकिन कभी तो ये बेड के नीचे छुप रहा है और कभी टेबल के नीचे, और मेरे बिल्कुल पास में नहीं आ रहा है। हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो बहुत प्यार से कंट्रोल में ये आ जाता है, मेरे साथ तो इतनी मस्ती करता है ना कि इसे कंट्रोल में लेना मेरे लिए तो नामुमकिन है। तो अब इस तरह से ये बैठा है क्योंकि इसको हिचकी भी आ रही है, थोड़ी बहुत ठंडक भी लग रही है,
लेकिन इसे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि ये आए मेरे पास और मैं टाल से इसको पोंछ लूँ या फिर ड्रायर इस पर लगा लूँ मैं, ताकि इसके बाल फर कोट जो है वो इजीली ड्राई अप हो जाए। अब देखो थोड़ी थोड़ी मस्ती करने लगा है इसे ना नहाने के बाद मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, इसे ऐसा लगता है जैसे इसे गंदा कर दिया है मैंने, तो ये ना चाटता रहता है बार बार अपने आप को क्लीन करने के लिए। पेट्स हमेशा घर की रौनक बने हुए होते हैं। अब इसका अधिकार हो चुका है कि ये नहा लिया है तो ये डाइनिंग टेबल पे भी बैठ सकता है, ये जो चाहे वो कर सकता है। तो संडे के अकॉर्डिंग चिप्स तो आप पीछे देख ही रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक चिप्स स्नैक्स बस यही आज होने वाला है। आगे का वीक मेरा बहुत बिजी जाएगा, इस वजह से मैंने संडे को ना कुछ भी ऑर्गेनाइजिंग या क्लीनिंग का काम हाथ में नहीं लिया था, मैंने सिर्फ चिल आउट करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए संडे को रखा था। तो दोस्तों यहीं था आज तक का ब्लॉग, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, और ये देखिए मैंने कहा ही था ना कि आसमान को देख के लग रहा है कि शायद मौसम बिगड़ जाएगा, और मौसम बिगड़ने की पूरी कगार पे है। खैर लेती हूँ आपसे इजाज़त, और फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना अगर बिना सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं तो, मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय।